आज केस की आखिरी सुनवाई है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। सर सर प्लीज, हमें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहेंगे। सर प्लीज 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 प्लीज, उसको बोलिए। You went out willingly with them? No, I'm not some whore. Ma'am, please. जैसा कि आपने अभी अभी देखा, मिस माया ने कहा I understand what you are going through, Maya. I promise you that those rapists will go to jail for sure. Come. Please be seated. Proceed, please. Your Honor, मैं ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है उस वीडियो का है जो मेरे काबिल दोस्त ने कोर्ट के सामने पेश किया था। ये रायपुर में लच्छी का मौत हो गया है तो उसका आवाज़ का पहचान नहीं हो सका, और दूसरी आवाज़ मेरा क्लाइंट मकरन जोशी से मेल खाता है, लेकिन वीडियो का क्वालिटी इतना खराब है कि वो मकरन जोशी है ये कंफर्म नहीं हो सका। ऑल इन ऑल ये जो वीडियो है ये पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता है इस केस में। Mr. Sitapathi, before the court pronounces judgment, do you have any submissions? Yes, Your Honor. मैं सलीम शेख को witness box में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। अदालत को अपना पूरा नाम और पेशा बताइए। मेरा नाम सलीम शेख है और मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ। बोले तो फिल्म इंडस्ट्री और एड एजेंसी के लिए नई नई लड़कियां सप्लाई करता हूँ। अरे भाई गलत मत समझो, फिल्म के शूटिंग के काम के लिए। ठीक है समझ गए। क्या आप सामने बैठी उस लड़की को जानते हैं? हाँ माया, इसका पहला असाइनमेंट अपुन ने दिलवाया था, कोई टेलीविजन शो के लिए था। हाय माया। और प्लीज। सॉरी जज साहब, कोर्ट में पहली बार आया इसीलिए माफी चाहता हूँ। क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि माया कैसी लड़की है? अभी अपन क्या बोलेगा साहब, आप ही देख लो ना। बला की खूबसूरत है, ऐसा हुसन देख के तो अच्छे अच्छे इंसान का ईमान भी डगमगा जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है। आपको क्या लगता है, माया रुपयों के बदले अपना जिस्म बेच सकती है? नहीं नहीं, तोबा तोबा, वकील साहब क्या बोल दिया आपने। एक दिन मैं एक अमीर आदमी की शादी में लेके गया था एक डांस ग्रुप के साथ में, वहाँ एक अमीर ठरकी मिल गया था। उसने इसको देख के एक रात का 2 लाख का ऑफर दे दिया, 3 लाख तक बात पहुंची। लेकिन मालूम है इसने क्या करके बोली, आई एम पुअर बट आई एम नॉट होर। मतलब बोले तो अपन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वकील साहब एक दिन का वाक्य बताता हूँ आपको मैं। जुम्मा का दिन था, शाम को इसने मेरे को फोन किया, सलीम खाना खिलाएगा क्या? 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, अगर ये चाहती ना उस वक्त किसी के साथ भी चली जाती और साल भर का काम कमा लेती। अब सोचो साहब, भूखा रहना पसंद किया इसने लेकिन गलत नहीं किया, और मैं जहां तक बोल सकता हूं कि माया जिसम फिरोसी जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकती। योर विटनेस, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, दाद देनी पड़ेगी मेरे काबिल दोस्त की वकालत की। ऐसा गवाह उन्होंने पेश किया, मेरे आंख में एकदम आंसू आ गए। लेकिन अभी भी सवाल वही रहता है कि माया जी जिस सोसाइटी में रहती वो लोग कंप्लेन किया है, उसके घर में देर देर रात तक पार्टियां चलती रहती है, फायरिंग लोग पड़े रहते हैं, तो उसका जवाब क्या मेरा दे सकता है काबिले दोस्त? योर ऑनर, मैं भी अपने काबिल दोस्त मुथुस्वामी की सोच की दाद देता हूँ। इन्होंने तो प्रोस्टिट्यूशन की परिभाषा ही बदल दी। इनके हिसाब से हर वो लड़की जो फैंसी लॉन्ड्री पहनती है प्रोस्टिट्यूट है, हर वो लड़की जो लेट नाइट पार्टियों में जाती है बचलन है, या किसी लड़की को कोई लड़का उसके घर तक छोड़ने आ जाता है इसका मतलब है वो वेश्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं योर ऑनर कि हमारे देश में आने वाली हर विदेशी लड़की क्या प्रोस्टिट्यूट है? और विदेशी क्यों? हर वो लड़की जो इज्जत की 2 रोटी कमाने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखती है वो वेश्या है? मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो मेरे मुद्दे को बिल्कुल साफ कर देगी, और ये मुथुस्वामी जैसे लोगों की पिछड़ी सोच का ही नतीजा है जो आज दुनिया भर में लड़कियों को अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए
ये तरीका अख्तियार करना पड़ रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनका इस आर्ग्यूमेंट से ये तो साबित नहीं होता कि माया जी अच्छा चरित्र किए और मेरा क्लाइंट मकरन जोशी और नाना पाटिल ने इन पर बलात्कार किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। एनी फर्दर सबमिशंस? नो योर ऑनर। वेरी वेल, तो फिर अदालत अपना फैसला सुनाती है। योर ऑनर, आप अपना फैसला सुनाए इससे पहले मैं अदालत में कुछ कहना चाहता हूं, एक आम आदमी की हैसियत से, क्योंकि अदालत मेरे लिए मंदिर है और कानून की किताबें धर्म ग्रंथ। कहिए क्या कहना चाहते हैं। जैसा जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो सिर्फ उसके जिस्म ही नहीं रौंदा जाता बल्कि उसकी आत्मा की हत्या की जाती है, उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया जाता है। बलात्कार सिर्फ लड़की का नहीं होता, उसके माँ बाप पूरे परिवार का होता है। लड़की जिंदा तो रहती है पर एक लाश बनकर। योर ऑनर, हमारे कानून में क्षमता के बाद भी वो गुनहगार के दिल में खौफ क्यों नहीं पैदा कर पाता, बताता हूं। परसों का अखबार है जैसा, इसमें एक आदमी ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था, अदालत ने उसे सजा दी, लेकिन कब? 25 साल बाद। मैं और मेरी क्लाइंट माया रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे थे, उसने मुझसे पूछा कि सीतापति व्हाई योर लॉ इज सो स्लीजी। मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या जवाब देता। मुझे लगा कि अदालत में आने वाला हर विक्टिम एक मुर्गी के जैसा होता है, पहले हम उस मुर्गी को साफ करते हैं, फिर प्यार से उसे हलाल करते हैं, फिर उसके पंखों को नोचा जाता है, फिर अपोजिशन अपने भद्दे भोंडे तरीकों से उसके ऊपर ताने के मसाले डालता है, और फिर उसको कानून की धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया जाता है, वो पकती रहती है पकती रहती है। यह है अपना कानून, द चिकन करी लॉ। कानून में समस्या नहीं है योर ऑनर, समस्या हमारे सिस्टम में है। हमारे सिस्टम में एक गुनहगार को बेगुनाह साबित करना बहुत आसान है, लेकिन एक बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना इम्पॉसिबल। मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम कभी अपनी मां बहन या जवान बेटी से पूछोगे कि फैंसी लॉन्ड्री पहनकर आज वो किस कस्टमर को रिझाने जा रही है? हाँ, दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत आपकी भावनाओं की कदर करती है, महिलाओं के प्रति आपके जो विचार हैं उसकी प्रशंसा भी करती है, लेकिन यह अदालत है और अदालत में फैसले भावनाओं के बहाव में आकर नहीं किए जाते, ठोस सबूत और गवाहों की गवाही पे होते हैं। मिस माया जॉनसन पे मिस्टर मुथू ने आरोप लगाया है कि वो एक कमर्शियल सेक्स वर्कर है, लेकिन इस बात का एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं आया है। इसीलिए इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के तहत उनके ऊपर ये चार्ज स्टैंड नहीं करता। द कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट मिस माया जॉनसन इज नॉट अ सेक्स वर्कर, हर कैरेक्टर कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड। नाउ कमिंग टू द मेन केस, डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हुआ है कि मिस्टर मकरन जोशी और नाना पाटिल ने मिस माया जॉनसन के साथ संभोग किया है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या यह संभोग उनकी मर्जी के खिलाफ था, इस बात का कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन सबमिट नहीं कर पाया है। उल्टा यह बात सामने आई है कि मिस माया जॉनसन ये दोनों अक्यूज्ड को अच्छी तरह जानती और पहचानती थी और अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी, और जब ये कथित रेप हो रहा था तो वो सेमी कॉन्शियस थी ड्रग्स की वजह से। लिहाजा ये अदालत मिस्टर मकरन जोशी और नाना पाटिल को शक की बिना पर बलात्कार के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। Yes. साथ में पुलिस को यह आदेश देती है कि मिस माया जॉनसन की एक थरो और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन हो, यह जानने के लिए कि क्या वो एक हैबिचुअल ड्रग यूजर हैं या नहीं, और अगर हो तो उन पे योग्य कार्रवाई की जाए। जिरह के दौरान मिस्टर मुथू ने यह इल्जाम लगाया है कि रेप का चार्ज एक आफ्टर थॉट था, ये जानबूझ के कायदे को ट्विस्ट करके लगाया गया था इनके क्लाइंट से पैसे ऐंठने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। यू फ्री टू फाइल चार्जेस इन अनदर कोर्ट विद इन द लॉ ऑफ लिमिटेशन, मिस्टर मकरन जोशी एंड मिस्टर नाना पाटिल, यू फ्री टू गो, दिस केस इज क्लोज्ड, द कोर्ट इज अडजर्न्ड।
दोस्त, खुश कर दिया तूने। वकील साहब, थैंक यू।